सत्संग की महिमा क्या है? मित्रों, सत्संग भक्ति और जीवन का एक प्रमुख भाग है जिससे ज्यादातर लोग अनजान है। सत्संग दुखी जीवन का अंत करने वाला एक प्रमुख शस्त्र है। संसारी लोग सत्संग के प्रभाव से अनजान है, पर दुख की बात यह है कि आज के भक्त लोग भी सत्संग नहीं करते। सत्संग का अर्थ है परम सत्य से संग करना। जो संत परम सत्य के बारे में जानते हैं उनका संग करना और उनसे उपदेश सुनना सत्संग है। आज के भक्त लोग ना ही किताब पढ़ते हैं और ना ही सत्संग करते हैं, इसलिए उन्हें भक्ति में रियलाइजेशन प्राप्त नहीं होते। आज सत्संग की क्या महिमा है इसके ऊपर बात करने वाले हैं। मित्रों, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण या श्री हरि हैं और हरि भक्ति आत्मा का परम धर्म है। पर इस परम धर्म का ज्ञान हमें संतों की कृपा से ही प्राप्त होगा। इसलिए जो हरि भक्त हैं, जो भगवान से एक होने की भावना से दूषित नहीं हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों का जो संग है वो सत्संग कहलाता है। और हमें ऐसे शुद्ध भक्तों से ही उपदेश सुनना चाहिए। भले ही आप संतों की वाणी सुनो या पढ़ो, ये दोनों सत्संग में ही काउंट होते हैं। इसलिए हमें किताब भी पढ़ना चाहिए और संतों के उपदेश भी सुनने चाहिए। सत्संग एक पेट्रोल या डीजल की तरह है। जैसे कार डीजल के अलावा चल नहीं सकती, वैसे ही सत्संग भक्ति में जान डालता है। भक्ति कार है, हम यात्री हैं और सत्संग पेट्रोल है। अगर आपके भक्ति में सत्संग नहीं है तो आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने भी कहा है कि जो भक्तों के संग के बिना भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है वो लुनाटिक है। सत्संग एक तरह का बल है। जैसे हमारा शरीर है और हमारे पास बल है, इसलिए हम उठना बैठना काम वगैरह सब कर सकते हैं। अगर शरीर में बल ना हो तो हम मृतप्राय हो जाएंगे ना। वैसे ही जब हम सत्संग करते हैं तो हमें अमोघ बल प्राप्त होता है। सत्संग करने से जो बल प्राप्त होता है उससे हम विकारों से, टेम्पटेशन से, मन से लड़ पाते हैं। संसारी लोगों के पास कोई बल नहीं है, इसलिए वे मन के दास बनकर बैठे हैं, क्योंकि वे सत्संग नहीं करते। भक्त लोग सत्संग करते हैं, इसलिए वे माया से लड़ पाते हैं। ऐसे सत्संग हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। सत्संग एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। जो लोग सत्संग के बिना भक्ति कर रहे हैं वे ज्यादा देर भक्ति नहीं कर पाते और उनका पतन हो जाता है। पर जो लोग सत्संग करते हैं उनको माया के चालों का पता चल जाता है और वे बिना गलती किए माया के वार से बचकर भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे सत्संग साधकों को भक्ति में बनाए रखता है। सत्संग में भगवान और भक्तों की कृपा छिपे हुए होती है। भक्तों के सारे काम कृपा की वजह से हो रहे होते हैं। सत्संग करने से कृपा हमारे लिए अवेलेबल हो जाती है। जो रोज या वीक में एक बार ऑनलाइन या ऑफलाइन सत्संग सुनते हैं उन पर भगवान और भक्तों का आशीष बना रहता है। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। जो लोग सत्संग सुनते हैं वे एक ही जन्म में भक्ति पूरी कर लेते हैं और धाम चले जाते हैं। पर जो लोग सत्संग नहीं करते वे हमेशा संशय और अज्ञानता में ही रहते हैं और हमेशा भक्ति में कमजोर फील करते हैं। इस कारण ऐसे लोग एक ही जन्म में भक्ति पूरी नहीं कर पाते। सत्संग अज्ञान, मिथ्या अहंकार, विकार आदि को काटने वाला एक दिव्य कुलाड़ी है। इसलिए हर किसी को सत्संग सुनना चाहिए। अगर आप सत्संग नहीं करते थे तो आज से ही करना शुरू कर दीजिए। रोज मिनिमम आधा घंटा तो सत्संग करिए। केवल 6 महीने सत्संग करने से ही आप बड़े बदलाव को अनुभव करेंगे। सत्संग ज्ञान, बल, वैराग्य, भक्ति, प्रेम और आनंद को बढ़ाता है। इसलिए सत्संग रोज मरते दम तक रोज करते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।